अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जय रांदलमा। कौन है तू? हाँ, क्या काम किया है तेरा? भीख मांगने आई है? अगर भीख मांगने आई है ना तो बता दूँ, हमारे यहाँ भिखमंगों का एक खानदान रहता है डेरा डाल के, और नहीं चाहिए भिखारी। अरे ना तो रूबेन, वो भिखारी ना थी। सारा धर्मपुर मुझे बेन बाब बुलाता है। पर आपका नाम तो करुलता माहियावंशी है ना? क्यों आई है? काम की तलाश में। आपका नौकर अस्पताल में है ना, तो घर में नौकरानी की जरूरत तो होगी ना? मैं पोछा लगाती हूँ वहां अस्पताल में। छोटी जाति की है? अब ये काम तो छोटी जाति के लोग ही करते हैं ना तरुबेन। बेनबा, संतुड़ी लेके आई होगी ना तुझे यहाँ पे? ये हमारी संतुड़ी है ना, ये छोटी जाति के लोगों का यह सम्मेलन भरवाना चाहती है हमारे घर में, गेट टुगेदर। अरे ना बेनबा, मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ, मैं खुद ही आई हूँ। कोई काम हो तो दे देना, मेरा पेट पल जाएगा। हे, तुम छोटी जाति के लोगों का पेट पालने का ठेका नहीं ले रखा हम लोगों ने, समझी ना? हट, चल अभी इधर से, हट। जैसी आपकी मर्जी, काम हो तो बुला लेना, हाँ मैं आ जाऊंगी। साहेबो मारो गुलाब नो छोड़, हूं तो बेली लवंगनी। साहेबो मारो गुलाब नो छोड़, हूँ तो बेली लवंगनी। साहेबो मारो गुलाब नो छोड़, हूँ तो शंभू कैसे हैं आप? ठीक है। वो कुछ काम था? बस देखने आया था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। नहीं है। देख, अच्छा लगा कि आज तुमने मुझे छोटे मालिक से नहीं मेरे नाम से बुलाया। कल माधव का कब वापस आ रहे? अच्छा है, जितना जल्दी वो आएंगे उतना ही जल्दी हम जाएंगे।
अब क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो तुम? अरे देखो ना, मैं किसके साथ खेलूं और कहां खेलूं? अरे इतना बड़ा घर है, जहां तेरा मन करे वहां खेलना। बिरवा के साथ जाके खेल। आंगन में पापा सूख रहे हैं, और अगर मैं बड़े हॉल में जाऊंगी तो बिरवा कभी भी आ सकते हैं, वो मुझे डांटेंगे फिर। और बिरवा को तो सिर्फ लूडो और सांप सीढ़ी जैसे गेम आते हैं, हमारे खेल नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ खेल, यहाँ तुझे कोई नहीं रोके। बात तो वही है ना, किसके साथ खेलूं? चल मैं तेरे साथ खेलता हूँ। सच्ची बहुत मजा आएगा, हम गोल गोल धरे खेलेंगे, ठीक है? और खेमी बेना तुम भी खेलो। नहीं मुंगी, मेरा मन नहीं है। मुंगी का मन रखने के लिए खेलो ना खेमी, उसका दिल भी फैल जाएगा। वैसे भी वो भी तुम्हारी तरह यहाँ खुश नहीं। खेमी बेना, अब हितेन भाई का हाथ पकड़ो। पकड़ो ना। तीन भाई कितने अच्छे, मेरी बहनों को यहाँ पराया नहीं लगने देते। मैं भी चलूं, शुभमुझ का अस्पताल टिफिन ले जाना है। बात बता, सुभद्रा कहाँ है? आप जानती हैं मालकिन को? जाने बिना ही पूछ रही हूँ, क्या अकल मत है? क्या छे सुभद्रा? वो तो 7 साल पहले ही गुजर गई। क्या सुभद्रा, सुभद्रा गुजर गई? और आप कैसे जानती हैं मालकिन को? क्या वो भी आपको जानती है? पहले ये बता कि तू कौन है? संतु। अरे पर संतु चौहान के संतु देसाई के संतु कौन? संतु वाघेला। लगन से पहले मेरा नाम संतु वाघेला था, और अब संतु मायावंशी। संतु धर्मराज मायावंशी। संतु मायावंशी? हाँ, मैं बड़ी मालकिन की पति की पत्नी हूँ, मालिक की दूसरी पत्नी। तू धर्मराज की दूसरी पत्नी? अरे कितनी छोटी उम्र है तेरी, और अपने से 3 गुना बड़े आदमी से शादी कर ली तूने? तेरी उम्र की तो उसकी बेटी होगी। तुम मालकिन के बारे में इतना कैसे जानती हो? वापस आएगी तो संभलना, फर्श गीला है, पैर फिसल जाएगा तेरा। ये मालकिन के बारे में इतना क्यों पूछ रही थी? आई है बामारा गुलाब नीना तो वेली लवंगिना, साहेब मारो गुलाब नोचो। I'm not afraid of the dark.
उस छोटी जाति की औरत के गाने ने मुझे फिर से जिंदगी के बीते सालों में पहुंचा दिया। सालों बाद जैसे किसी ने मेरे कंधे को पीछे से झंझोर दिया कि पलट पीछे देख। इतने सालों बाद ये गाना फिर से कानों में पड़ा। ये संयोग है या फिर कोई इशारा? कुछ काम था। तुम किताब पढ़ते पढ़ते सो गए इसलिए? हाँ, वो पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। संतू अस्पताल गई थी शंभू को देखने के लिए, आ गई? आ जाएगी। एक बात पूछनी थी। तुमने कहा था जब तक मेरा लगन नहीं हो जाता हमारे साथ हमारे गांव में रहोगे, रहोगे ना? तुम्हारी डोली उठेगी तब तक वहां रहूंगा। ये चक्कर क्या है? ये खेमी हितेन को सबके सामने छोटे मालिक कहती है और यहाँ अकेले में हितेन हितेन कर रही है। आपके बदले तुम, मामला क्या है? तुमने कहा था जब तक मेरा लगन नहीं हो जाता हमारे साथ हमारे गांव में रहोगे, रहोगे ना? तुम्हारी डोली उठेगी तब तक वहां रहूंगा। ओ संतू महारानी, आइए आइए, आओ ने बैठो। बैठो। अरे बैठो। अच्छा एक राज की बात बता, ये तेरी खेमी बेना कौन सी चक्की का आटा खाती है? मैं समझी नहीं बेनबा, अब क्या कह रही है? यही तो रोना है। इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ना वो कोई देखता है ना कोई कुछ समझता है। देख तेरे मन में ये जो पुलाव पक रहा है ना, खेमी और शंभू की शादी होगी। नानका को आने दे, वो कभी हानि करेगा इस शादी को, पता चल जाएगा तुझे। मैं भी क्या बहक रही हूँ। देख बात ये नहीं है कि शंभू और खेमी की शादी होगी या नहीं, बात ये है कि आखिर तेरी खेमी देना चाहती क्या है। एक तरफ वो शंभू के साथ शादी करने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ वो हितेन के साथ ऐसे घुल मिल गई है कि, समझ रही है ना तू मैं क्या कह रही हूँ? देख मैं मानती हूँ हितेन तुम्हारे यहाँ रहता है, तुम जैसे भिकमंगों को अपना दोस्त समझता है, लेकिन तेरी खेमी बेना तो कुछ और ही समझ रही है। एक टिकट में दो दो पिक्चर, एक ही समय में एक ही घर के दो दो मर्दों के साथ। बेनबा, ए आंखें नीची कर, आंखें नीची कर। ये खेमी सबके सामने हितेन को छोटे मालिक बुलाती है और अकेले में हितेन हितेन बुलाती है। आपके बदले तुम, तेरी खेमी तो तुझसे दो कदम आगे निकली। इसके आगे कुछ मत कहिए बेनमा, अब बात को गलत दिशा में ले जा रही है। माना खेमी बना आपके लिए पराई है, पर हितेन भाई तो आपके अपने हैं ना, अब उन पर तो विश्वास कीजिए। ऐसी बात कह के आप हितेन भाई का अपमान कर रही है, ऐसे विचार आपके मन में? तीन गुना तुझसे उम्र में बड़ी हूँ मैं, समझी? तीन गुना। ये तीन गुना अनुभव जो इन आंखों में दिख रहा है ना, तीन जन्म लेगी फिर भी नहीं मिलेगा तुझे। बहुत दुनिया देखी है मैंने, मैं लिफाफा देख के अंदर की चिट्ठी में क्या लिखा है वो पढ़ सकती हूँ। आंखें मत दिखा। ओ महारानी, जाते जाते कड़वा सच सुनी ले,
और वो तेरी बच्चलन बहन है ना, उसके भी कानों में डाल दे। हितेन उसका छोटा मालिक है, उसे वो छोटा मालिक समझे, क्योंकि मालिक के बेटे को छोटा मालिक कहते हैं, समझी? ये चिंगारी भड़के उसकी आग बने, इससे पहले इसे बुझाना होगा। नानका को आने दो बस, उसे कह के इसका फैसला मुझे करना ही होगा। धर्मराज माहियावंशी, सुभद्रा का पति, कितना बदल गया ये। बड़ी बड़ी मूछें, धोती पहनने लगा है अब। मालिक बन गया है धर्मपुर का। समय कितना बदल देता है ना, इंसान को भी और परिस्थितियों को भी। प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। केम छे तबियत अबे? सारू छे मालिक। जिसके सर पर आपका हाथ हो वो तो ठीक ही होगा ना। आप कब आए? हमड़ा जावे हो। पिना किन ने मुझे खबर किया तो सीधा हवाई अड्डे से तुझे देखने को आया। बड़ी कृपा हुई मालिक। चाला वे गांडा जैसी बात ना कर, तू मेरा सबसे पुराना ने वफादार है, इतले बीजी बार जरा रास्ता देख के पार करना हो। अरे तुम्हें चिंता ना करो, खर्चा मैं भर दूंगा। बीजी कोई चीज की जरूर होवे ना तो पिनाकिन को बोल देना, बराबर छे ना? चल जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चल भाईला फरी आवीश हो, आराम। अच्छा हुआ जो हमने मालिक के आने से पहले कोई फैसला नहीं लिया। मुझे लग रहा है कि मालिक अब ये लगन जरूर करवाएंगे। કેમ છો? સુખીતા બેટા, સુખીતા બાપુજી પગે લાગુ, જુગ જુગ જીઓ બેટા। કેમ છે છોકરી? તેરે નાનાજીને વહાં એન્ટવર્પ મેં કમાલ કર દિયો। સબ બડે બડે હીરે કે વ્યાપારી ઉસકી કલા કો દેખકર અચંબિત હો ગયે। મેરે ખજાને કા सबसे बड़ा हीरा है तेरा नाना। केम छे दिकरा? ठीक छो। आओ आओ आओ। केम छे तू? अच्छा पापा, अपा माले क्या लायो? रमकड़ा लायो ने बहुत सारा। पर तारो भाई क्या छे? वो तो आपका इंतजार करते करते सो गया। केम? ओ हो हो हो। ननका, इस समय तुम थके आ रहे हो, इसलिए इस समय कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने कुछ कहा नहीं ना तो मेरा मन भारी हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं थका, बोल छूछे। नानका, तूने शंभू और खेमी की शादी के लिए माधव सोलंकी को सहमति दी थी? केवी बात करे छे बुटी में? खेमी ने शंभू का लगा? हाँ, माधो काका ने मुझे बोला था कि वर अच्छा है पर छोकरा शंभू है, ये तो नहीं बोला था। देखा, मुझे पता था नानका को इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। नानका, ये लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा नाम लेके लगन की तैयारियां कर बैठे। और एक बात कहनी है तुमसे नानका, खेमी के बारे में। ये बात अगर मैं तुम्हें अभी बताऊंगी तो तुम्हारे कान फट जाएंगे। तुम्हें पता है क्या किया इसने, ये खेमी ने?
जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। खुद मालिक ने ही खेमी बहन और शंभू जी के रिश्ते के यहाँ कहा। और इस शादी के लिए तो खुद धर्मपुर के मालिक ने भी कहा। अब बताओ नानका, निर्णय तुम्हें ही करना है, इस घर का नौकर तुम्हारा साडू भाई बनेगा या नहीं बनेगा। फोई जो कह रही है वो बात